हेलो गाइस, वेलकम टू विकास शर्मा शो। दोस्तों, सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, मैंने पिक्चर देख ली है बच्चन पांडे। जी हाँ, सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि बच्चन पांडे होली के दिन क्यों रिलीज किया यार, क्योंकि मैं थिएटर गया था। पहले तो सुबह होली खेली, फिर थिएटर गए और थिएटर जो है एम्प्टीनेस लग रहा था, बहुत खालीपन था। सो होली के दिन तो नहीं रिलीज करना चाहिए, पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इस वीडियो के अंदर आपको चार कैटेगरी में इस मूवी को डिवाइड करूंगा और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आपको मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, देखो यदि आप अक्षय कुमार के फैन हो ना तो आपको पिक्चर देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय के बाद अक्षय कुमार का कुछ नया अवतार आया है। क्योंकि रिसेंट जो मूवीज थी सारी, वो सारी पेट्रियोटिक मूवीज थी, राइट। तो अक्षय कुमार वाला जो खिलाड़ी कुमार कहते हैं हम, जो खिलाड़ी समझते हैं ना बॉलीवुड खिलाड़ी, तो वैसा कुछ नयापन है, कॉमेडी है, एक्शन है, तो आपको मजा आएगा। और आपको अक्षय कुमार पसंद है तो आपको डेफिनेटली मूवी देखनी चाहिए। पॉइंट नंबर टू, देखो आपको ना बॉलीवुड मसाला मूवी पसंद है, जहाँ पे आपको यार दिमाग ना लगाना पड़े। जब थिएटर के अंदर जाओ तो आप हंसो, मतलब दो घंटे बैठ रहे हो और आप मूवी इंजॉय कर रहे हो, तो वो मूवी आपको यहाँ मिल जाएगा। नाच गाना, एक्शन, रोमांस सब इस मूवी के अंदर है, तो आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे इस मूवी को। सो आपको ये मूवी देखनी चाहिए, राइट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप यदि बॉलीवुड फैन है तो आपको मूवी देखनी चाहिए। दोस्तों, इसके डिसएडवांटेज क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो पॉइंट नंबर थ्री, देखो यदि आप उस तरह के ऑडियंस हो जहाँ पे आप बॉलीवुड से कुछ नया एक्सपेक्ट करते हो या स्टोरी लाइन कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आपको इस मूवी से कुछ सीखने को या कुछ नयापन देखने को नहीं मिलेगा। मूवी ऑलरेडी रीमेक है साउथ इंडियन मूवीज की, तो आप यहाँ पे कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, आपको वही मसाला मजेदार। तो आप उस तरह के फैन नहीं हो तो आपको ये मूवी थोड़ी डिसअपॉइंट कर सकती है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, यदि आप कुछ नयापन ढूंढने जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर फोर, देखो अक्षय कुमार ने रोल बहुत अच्छे से निभाया है, बट मुझे लगा कहीं ना कहीं थोड़ा जो है एक्शन की कमी है। जी हाँ, जिसको हम अक्षय कुमार के लिए जाना जाते हैं, इज अ एक्शन हीरो, कॉमेडियन हीरो, सो थोड़ा एक्शन की कमी लगी। दोस्तों, मेरे हिसाब से जिस तरह अक्षय कुमार ने एक्टिंग की है वो अच्छी की है, बट उस हिसाब से मूवी के अंदर विलन नहीं है, तो यहाँ पे ना ये मूवी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है मूवी में स्ट्रांग विलन ना होने की वजह से। क्योंकि जब आप मूवी देखते हो तो क्या मजा आती है, आपको तभी मजा आता है जब हीरो और विलन दोनों ना स्ट्रांग हो, तो यहाँ पे आपको इतना स्ट्रांग विलन देखने को नहीं मिलेगा मूवी के अंदर, तो वो एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। एंड सेकेंड चीज आपको बोलूं तो देखो, अक्षय कुमार को जितनी कॉमेडी कर सकते थे उससे थोड़ी लिटिल बिट कम लगी, उससे ज्यादा तो साइड कैरेक्टर की कॉमेडी अच्छी लगी, स्पेशली पंकज त्रिपाठी, वो जब जब स्क्रीन पे आते हैं तो आपको गुदगुदाएंगे। जी हाँ, बट उनका मतलब रोल बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक बहुत लिमिटेड रोल है। और ज्यादातर स्क्रीन पे आप कीर्ति सैन को देखो, उनको स्क्रीन टाइम काफी अच्छा मिला है कंपेयर देन किसी अदर एक्टर से। अक्षय कुमार को सबसे ज्यादा टाइम स्क्रीन टाइम मिला है वो कीर्ति सैन को मिला है। और जहां तक बात करें अरशद वारसी की, तो अरशद वारसी ने डेफिनेटली बहुत ही अच्छा काम किया है। जब भी आप उस स्क्रीन पे देखेंगे उनकी डायलॉग डिलीवरी, वो सब बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने निभाया है, तो आपको बहुत ही वो गुदगुदाने वाले हैं, हंसाने वाले हैं। तो दोस्तों, थोड़ा इसको बेटर किया जा सकता था, बाकी ओवरऑल ठीक है। ठीक है, तो आप वन टाइम वॉच मूवी है, आप इसको देखना चाहिए। यदि अभी स्टार की बात करें तो मैं इसको दूंगा 5 में से 3 स्टार। जी हाँ, वन टाइम वॉच मूवी है, पर जाएंगे तो आपको पैसा वसूल पिक्चर है। जी हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आप जो पैसा खर्च करेंगे उसमें आपको इंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, तो इसको आप वन टाइम दे सकते हैं। और एक चीज और कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल नया है और आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों, ये था रिव्यू ऑफ बच्चन पांडे। आई होप दोस्तों आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।